नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का ये सेट 7वां सेट है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लाभदायक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो ये कौन सा होता है? रेडॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर में सबसे बड़ी आंत स्कर्वी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का जो खोज है लैंड स्टीनर ने किया था। अल्मोनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो अल्मोनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का वह अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक धातु एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोग है? तो ये कपास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये नादिर शाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली की पर्वत श्रृंखला है। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक एक लाइक सारे लोग कर दें, और ये इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके पास भी ये टेस्ट सीरीज पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धरती की तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तल पे कितना प्रतिशत पानी है? तो 71%, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी अस्थाई सीमा किस देश से लगती है? तो अस्थाई सीमा किस देश से लगता है? बांग्लादेश से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो कौन सा मिलाया जाता है, इथाइल मार्केप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है, तो ये नाइट्रोजन का है, वायुमंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो ये पाकिस्तान से अलग होकर, क्योंकि पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो जगह था, एक पाकिस्तान अभी के टाइम का, एक बांग्लादेश, ये दोनों मिलके एक पूर्वी पाकिस्तान था एक पश्चिमी पाकिस्तान था, तो उससे अलग होके अपना देश बांग्लादेश बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है, तो ये 1024 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, ये बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ये अमर्त्य सेन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया, तो ये बनाया गया ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार लगा था उसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज के शासक ने किया, तो कौन किया था, ये हैदराबाद के निज़ाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शहीद ए आजम के नाम से कौन किन्हें जानते हैं, तो ये भगत सिंह को जानते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन जो हुआ माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने किया था, तो ये कौन किया था, तो उद्धम सिंह ने किया था। तो ये था हम लोग का आज का ये लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा है और इससे हार्ड होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक एक लाइक सभी लोग करें और सभी लोग एक एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।